हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अरविंद सैनी, स्पॉट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल ऑन आरएसएम क्लासेस यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर स्टडी अबाउट सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन दैट हैव कम्स इन प्रीवियस एग्जाम्स ऑफ सीबीएसई 10th क्लास। ओके, सो स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग रिएक्शन इनटू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कुछ रिएक्शन है, उन रिएक्शंस को बैलेंस करना है। ओके, और तो देखो, जैसे कि सबसे पहले अपन 2015 यानी 2015 की एग्जाम्स में आया हुआ एक क्वेश्चन है कि ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड इट डीकम्पोज टू फॉर्म एल्यूमिनियम मेटल एंड ऑक्सीजन गैस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहा है कि इलेक्ट्रिक करंट पास करना है किसमें, मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर, मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यू स्टडीड इन 9th क्लास राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। ओके, आई हैव एक्सप्लेन फॉर दिस टॉपिक एन एग्जांपल। हियर से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम एंड ऑक्साइड, इट मींस एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, बोथ एल्यूमिनियम सिंबल Al एंड ऑक्सीजन O। अपर देन अपन बात करें एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 और ऑक्सीजन की -2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्म ए फॉर्मूला Al2O3 एंड दिस नाम नेम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन हैव मोल्टन फॉर्म। ओके, हियर एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन मोल्टन फॉर्म, इट मींस लिक्विड फॉर्म। ओके, आफ्टर देन पासेज इलेक्ट्रिक करंट, पास इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर यह बोल रहा है इट डीकंपोजेस टू फॉर्म एल्यूमिनियम मेटल एंड ऑक्सीजन गैस। एल्यूमिनियम मेटल का फॉर्मेशन करता है एंड ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो वी कैन बैलेंस दिस फॉलोइंग इक्वेशन Al2O3, हियर एल्यूमिनियम 2 एंड हियर एल्यूमिनियम 1 एंड हियर ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल और हियर 3 मॉलिक्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन बैलेंस द ऑक्सीजन मेटल। ओके, एंड ऑक्सीजन मेटल हियर 3, तो हियर मल्टीप्लाई 2 एंड हियर मल्टीप्लाई 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6। अब हियर देखो एल्यूमिनियम 4 और एल्यूमिनियम 1, तो मल्टीप्लाई इनटू 4 फॉर Al प्लस 3 O2, ऑक्सीजन हियर इन गैस ये फॉर्म। ओके, तो हियर एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन मोल्टन फॉर्म पासेस इलेक्ट्रिक करंट, देन इट विल डीकंपोज इनटू एल्यूमिनियम मेटल और ऑक्सीजन गैस। ओके, दिस क्वेश्चन इज कम इन 2015 एग्जाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 के एग्जाम में, मेथेन गैस बर्न इन ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, मेथेन गैस इज बर्न इन ऑक्सीजन। ओके, मेथेन गैस का फॉर्मूला, मेथेन गैस CH4 मीथेन। ओके, हियर गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस, यानी बर्न हो रही है किसमें, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में।
which substance is formed. Here, carbon react with oxygen and form carbon dioxide, yani here carbon dioxide and plus water. किसका formation होगा? Carbon dioxide और water का formation होगा. Let's balance this equation. ये जब अपने इस equation को balance करते हैं तो here carbon is one, carbon is one, hydrogen 4 and here hydrogen 2, तो 2H2, okay. अब here hydrogen 4 and it will be also formed, here oxygen 2 and here oxygen 4, तो here 2 multiply by 2, तो this equation is balanced, okay. Now third इक्वेशन 2015 के एग्जाम में ही आई हुई है. हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन रिएक्टिंग विथ क्लोरीन गैस गिव आयोडीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, हाइड्रोजन आयोडाइड HI. ओके, फॉर्मूला हो गया हाइड्रोजन आयोडाइड का, क्या हो गया? HI. ओके, क्या कह रहा है? हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्टिंग विथ क्लोरीन Cl2. ओके, क्लोरीन गैस के साथ में रिएक्ट करती है और रिएक्ट करने के पश्चात आपके दिन क्या फॉर्म कर रहा है? गिव आयोडीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. आयोडीन इट मींस I2 प्लस क्या कह रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट मींस HCl. नाउ बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन. HI हियर हाइड्रोजन इज सिंगल एंड आयोडीन इज आल्सो सिंगल एंड क्लोरीन इज 2. हियर आयोडीन 2 और हियर आयोडीन ओनली 1. तो बैलेंस आयोडीन मल्टीप्लाई बाय 2. अब इधर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया. इधर हाइड्रोजन क्या है? 1, तो मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, क्लोरीन इज आल्सो बैलेंस हियर. ओके, so these equation are balanced chemical equation. Now ये भी example था 2015 के exam में आया हुआ. Next example अपन बात करते हैं आगे 2015 का ही. मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विथ एल्यूमिनियम पाउडर. मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ हीट करने पर, अब हियर प्रोडक्ट का नेम नहीं दिया है, इन तीनों थ्री इक्वेशंस में तो प्रोडक्ट का नाम दिया था लेकिन अब इस रिएक्शन में प्रोडक्ट का नाम नहीं दिया है. ओके, ये डायरेक्ट कह रहे हैं कि मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विथ एल्यूमिनियम पाउडर. मैग्नीज ऑक्साइड फॉर्मूला MnO2. किसका? मैग्नीज डाइऑक्साइड. ओके, मैग्नीज डाइऑक्साइड हीटेड, ठीक है, हीटेड विथ एल्यूमिनियम पाउडर के साथ में क्या किया जा रहा है? हीटेड, इसको हीट दी जा रही है, ठीक है. तो अब इसको एल्यूमिनियम पाउडर के साथ में हीट देने पर किसका फॉर्मेशन होगा? एल्यूमिनियम पाउडर के साथ में हीट देने पर एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन के साथ में, और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ में. किसके साथ में क्या फॉर्म करेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा. तो देखो यहां एल्यूमिनियम Al2O3 किसका फॉर्मेशन हुआ? Al2O3 एंड Mn, Al2O3 प्लस Mn. ओके, बैलेंस दिस इक्वेशन. हियर एल्यूमिनियम सिंगल है और हियर एल्यूमिनियम 2, तो बैलेंस एल्यूमिनियम, ठीक है. हियर ऑक्सीजन 3 एंड हियर ऑक्सीजन 2. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को. ओके, हियर ऑक्सीजन 3 एंड हियर ऑक्सीजन 2, तो बैलेंस दिस मल्टीप्लाई बाय 3 एंड
मल्टीप्लाई बाय टू. ओके, तो हियर ऑक्सीजन 3 और हियर ऑक्सीजन इज 6. ओके, नाउ बैलेंस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हियर 4 एंड हियर 1, मल्टीप्लाई बाय 4. एंड आफ्टर देन मैग्नीज, हियर इन रिएक्टेंट साइड 3 मैग्नीज एंड इन प्रोडक्ट साइड ओनली सिंगल, सो मल्टीप्लाई बाय 3. ओके, एंड नाउ 3 मैग्नीज हियर. दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड एंड दिस इक्वेशन आल्सो कम्स इन 2015 एग्जाम. ओके, नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन इन आयरन इज ट्रीटेड विथ स्टीम. ठीक है, आयरन इज ट्रीटेड विथ स्टीम. Fe, आयरन मीन्स Fe, और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? Fe इज सॉलिड एंड रिएक्ट विथ H2O, और H2O किस फॉर्म में है? स्टीम यानी गैसीय फॉर्म में है. तो जब इसको गैसीय फॉर्म में ये किसके साथ रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? Fe2O3. इट मीन्स आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. ओके, कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस. तो यहां ये किसका फॉर्मेशन होता है? आयरन ऑक्साइड, और इसका अदर नेम यदि अपन बोले तो इसका नेम है फेरिक ऑक्साइड. क्या है? फेरिक ऑक्साइड. ओके, तो इक्वेशन को बैलेंस करें, तो इक्वेशन को बैलेंस करेंगे. यहां देखो ऑक्सीजन 3 एंड हियर ऑक्सीजन 1, तो मल्टीप्लाई बाय 3. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हाइड्रोजन 6, इधर भी हाइड्रोजन 6, Fe हियर 2, मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज कम्स इन 2015 एग्जाम. ओके, नाउ ए क्वेश्चन, सिल्वर ब्रोमाइड एंड एक्सपोजर टू सनलाइट डिकम्पोजेस इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन. ओके, सिल्वर ब्रोमाइड को जब अपन सनलाइट की प्रेजेंस में जब इसको अपन कीप कर देते हैं बाहर, तो ये क्या किस में ब्रेक होती है? तो देखो सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड फॉर्मूला AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड यानी फॉर्मूला क्या है? AgBr. क्या कर देंगे इसको? कीप प्रेजेंस इन सनलाइट. ओके, सनलाइट की प्रेजेंस में जब इसको लेफ्ट कर देते हैं, ये किस में ब्रेक होगी? Ag+Br2, यानी कि सिल्वर और ब्रोमीन गैस का फॉर्मेशन होगा यहां पर. ठीक है, यहां देखो जो बैलेंस करें यदि इस इक्वेशन को, तो क्या होगा? यहां देखो ब्रोमीन कितने? 2 है, तो 2 एंड 2 Ag. ओके, दिस आर, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इन सोडियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. सोडियम मेटल, सोडियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर H2O. ठीक है, कह रहा है रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH. ओके, एंड विथ हाइड्रोजन गैस H2 गैस. ओके, तो नाउ सोडियम रिएक्ट विथ वाटर, फॉर्मूला H2O, एंड फॉर्म NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस. नाउ बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन. हियर सोडियम इज सिंगल एंड हियर सोडियम इज 1, हाइड्रोजन हियर 2 एंड हियर हाइड्रोजन इज 3, ऑक्सीजन 1 एंड ऑक्सीजन 1, बट हाइड्रोजन इज हियर 2 एंड दिस साइड 3, सो बैलेंस
दिस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, टू से, और इसको यहां देखो ऑक्सीजन वन है और यहां ऑक्सीजन टू, तो मल्टीप्लाई बाय टू, एंड आफ्टर हाइड्रोजन इज फोर मल्टीप्लाई बाय टू, ओके सॉरी हाइड्रोजन टू प्लस टू फोर हो गए, और हियर हाइड्रोजन फोर एंड ऑक्सीजन टू, ओके तो दीज एंड सोडियम आल्सो इज टू, सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाउ वी टेक नेक्स्ट रिएक्शन, दिस रिएक्शन आर कम्स इन 2012 एंड 2016 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, ओके नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज रिएक्ट विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ओके मैग्नीज रिएक्ट विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, देखो सॉरी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड HNO3 फॉर्मूला कैसा है, डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट मीन्स वाटर की अमाउंट मोर देन है किससे, एसिड से, ठीक है, देन डाइल्यूट, तो मैग्नीशियम रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड एंड फॉर्म क्या फॉर्म करेगा, यहां तो अपने को दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में तो प्रोडक्ट नेम, ठीक है, तो यहां क्या मैग्नीज है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, MgNO3 का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट, और ये जो मैग्नीशियम नाइट्रेट है यहां देखो मैग्नीशियम नाइट्रेट इसके साथ में यहां देखो क्या है, हाइड्रोजन, तो साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, कौन सी गैस फॉर्म होगी, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। अब यहां देखो इसको बैलेंस करते हैं, जब अपन इसको बैलेंस करते हैं तो यहां देखो नाइट्रेट जो NO3 है कितना है, सिंगल है, या अपन यहां ऑक्सीजन देखे तो यहां ऑक्सीजन देखो कितना है, थ्री, और यहां ऑक्सीजन कितने है, थ्री, तो ये रहे और मल्टीप्लाई बाय टू यानी सिक्स है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे अपन, यहां इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब टू से मल्टीप्लाई करते हैं यहां से देखो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया टू, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया टू, एंड ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया सिक्स, ओके एंड हियर मैग्नीशियम इज आल्सो बैलेंस्ड, ओके सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाउ टेक नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म, अब क्या फॉर्म करेगा, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ठीक है, तो देखो जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये क्लोरीन के साथ में किसका फॉर्मेशन करेगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ओके तो यहां से क्या फॉर्म हुआ, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, हियर बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन, जिंक वन क्लोरीन हियर टू एंड हियर वन फर्स्ट टू, तो हियर हाइड्रोजन आल्सो बैलेंस्ड, ओके दिस क्वेश्चन कम्स इन 2016 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम एंड मैग्नीशियम रिएक्शन आल्सो कम्स इन 2016 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। नाउ टेक नेक्स्ट एग्जांपल, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, कह रहा है
कि बेरियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ में मिक्स करने पर व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो अपन लेते हैं, पहले बोल रहे हैं बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? BaCl2। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? BaCl2 रिएक्ट विद CuSO4 कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? CuSO4। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट एंड फॉर्म, क्या फॉर्म कर रहा है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, क्या फॉर्म कर रहा है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। हियर देखो, बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट, जब इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो अपन ने ये रिएक्शन किसमें देखी थी? देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हियर बेरियम रिएक्ट विद सल्फेट एंड क्लोरीन रिएक्ट विद कॉपर, क्या फॉर्म होगा? BaSO4। ठीक है, BaSO4। हमने यही रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किसके साथ पढ़ी थी? हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी Na2SO4 प्लस BaCl2 एंड देयर बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ था व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, एंड हियर विथ NaCl और हियर बेरियम सल्फेट, ये क्या है? व्हाइट प्रेसिपिटेट हो गया और साथ में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? कॉपर क्लोराइड। ओके, दीज आर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन दैट कम्स इन प्रीवियस CBSE बोर्ड एग्जाम। एंड नेक्स्ट वीडियो इन वी ऑल्सो लर्न 10 मोर केमिकल रिएक्शंस विच इज कम्स इन प्रीवियस CBSE बोर्ड एग्जाम्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।